हाय फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है इस मैथ चैनल पे। आज हम जो करने वाले हैं वो करेंगे क्वेश्चन नंबर एट को, थोड़ा देखें क्वेश्चन नंबर आठ होगा। ठीक, यहां बोला गया कि थ्री कॉट इज इक्वल टू फोर है, तो जांच कीजिए नहीं चेक कीजिए। वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें जांच करना है। देखते तो यहां आप देखिए मेरे पास दिया हुआ है, जो उससे हम चलते हैं। दिया है थ्री कॉट ए इज इक्वल टू फोर, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर अपॉन थ्री। तो मेरा टेन क्या हो जाएगा, तो मालूम है टेन थे तो कॉट का जस्ट उल्टा होता है, तो मेरा टेन हो जाएगा थ्री अपॉन फोर हो गया। यहां से मेरा क्या होगा, ये थ्री फोर यानी पी और बी मेरे पास है। लेकिन अगला टर्म जो करने वाले हैं इसमें हमको क्या लाना है, इसमें हमको हर हालत में क्या लाना है, हमको इसमें लाना है कॉस और साइन। कॉस और साइन आपको मालूम है इसके अंदर क्या है, पी बी एच, पी बी है लेकिन एच आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस। आप यहां पे आपके लिए पी हो गया थ्री के, बी हो गया फोर के, तो आप क्या निकालना है, एच निकालना है। पाइथागोरस क्या हो, थ्री के का स्क्वायर यानी लैम स्क्वायर प्लस आधा आर स्क्वायर यानी फोर के का स्क्वायर। एच इसका टू हो जाएगा आपका नाइन के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। एच मेरा क्या आ गया अंदर 25 के स्क्वायर यानी 5 के। एच मेरे पास मिल चुका है, अब हम इसे चेक कर, पहले हम चलते एल एच एस, ये मेरा एल एच एस, मेरा ये आर एच एस, तो पहले हम चलते एल एच एस। एल एच एस, एल एच में क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर है, तो वन माइनस टेन, वन माइनस टेन की वैल्यू कितना मेरे पास, थ्री अपॉन फोर अपॉन क्या है वन प्लस स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, वन प्लस टेन स्क्वायर है थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहां पे वन माइनस ये कितना हो गया नाइन अपॉन सिक्सटी, तो वन प्लस नाइन अपॉन सिक्सटी स्क्वायर को किसी भी चीज पे स्क्वायर होता है आपको मालूम है, उसको दो बार इंटू करना, तीन पे स्क्वायर तीन गुना तीन, चार पे स्क्वायर है अब चार गुना चार, पांच पे स्क्वायर है तब पांच गुना पांच। ठीक है, देखते हैं तो मेरे पास एच निकल गया कितना पांच के स्क्वायर होने, अब क्या मेरे पास हो गया, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा एक और सोलह, सोलह आएगा एक सोलह से इंटू करेंगे सोलह बार कटेगा, और सोलह फिर एक से जब इंटू कितना हो यहां पे सोलह माइनस सोलह, सोलह करें एक बार में एक गुने नौ नौ अपॉन में, फिर यहां इसका वैल्यू कितना हो सोलह, फिर वही सोलह प्लस नौ, यहां पर कितना आ जाएगा सोलह में नौ हो रहा कितना हो जाएगा सात, सोलह ये बचेगा पच्चीस बटे सोलह। यहां पे कंफ्यूजन बच्चे का सर किसको ऊपर करें किसको नीचे करें, इसके लिए आप ये आपका हुआ एक टर्म आपका ये हुआ और एक टर्म आपका क्या हो ये हुआ, आप क्या करेंगे जैसे बच्चा पांचवा छठा आप करते थे ना ये भिन्न का भाग वैसे करिए, देखिए सात बटे सोलह आपका यहाँ पे डिवाइड कितना हो जाएगा पच्चीस बटे सोलह, आप क्या करेंगे सात बटे सोलह में कुछ नहीं करता, आपको मालूम है पहला टर्म को कुछ नहीं किया था भिन्न के भाग में, अगला टर्म बस उलट देते हैं सोलह ऊपर और पच्चीस नीचे, सोलह सोलह कर दे कितना आंसर आ गया सात बटे पच्चीस। इस आप कैसे करेंगे सेवन इंटू सोलह कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और सोलह इंटू पच्चीस का है नीचे कट कितना आ गया सात बटे पच्चीस, यानी एल एच एस मेरा कितना आ गया सात बटे पच्चीस यानी सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव। अब हम देखते हैं आर एस क्या हाल चाल है, देखते हैं एल एच मेरा क्या है सात बटे पच्चीस, हम देखते हैं आर एच एस का, आर एच एस कितना है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू बी बटे एच होता है, तो बी मेरा कितना है, मेरा बी कितना है 4k, बी बटे एच यानी 4k अपॉन एच करेंगे 5k स्क्वायर माइनस साइन कितना होता है, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना हुआ 3k, कर्ण कितना हुआ 5k का स्क्वायर, के कट गया, के कट गया, कितना गया 4 बटे 5 करेंगे, 4 बटे 5 कितना 16 बटे 25, इससे आएगा 9 बटे 25, एलसीएम लेते हैं कितना एलसीएम आएगा 25, 25 एकम 25 एक बार में 1 गुने 16, 25 एकम 25 एक बार में 1 गुने 9 कितना गया 7 बटे 25। तो हमने देखे एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, बराबर है, अतः LHS RHS प्रूफ, यही प्रूफ देना है, जांच कीजिए दोनों बराबर है कि नहीं, हम LHS बराबर RHS है यानी हाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत